जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद। स्टार्ट जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। त्रिमंत्र फॉलो करिए, त्रिमंत्र फॉलो करिए। परेशन जी बुलाए। ओके। नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो वज्जायानम, नमो लोए सव्वसाहुनम, नमो लोए सव्वसाहुनम। ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्वपावप्पणाशनो, सव्वपावप्पणाशनो, मंगलानं च सव्वेसिं, मंगलानं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्, पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हिंदी के सत्संग में सभी का स्वागत है। हिंदी में करने का दीपक भाई? यस। ओह, हिंदी 3 o'clock। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ओके। अंधेरा नहीं है ना, सब बरोबर है ना? आपका चेहरा दिखता है तो पीछे का अंधेरा बहुत हो गया। चेहरा दिखता है तो बहुत हो गया। हाँ, कपड़ा ज्यादा दिखता है। ठीक है, चलेगा, नहीं तो लाइट करो। नहीं नहीं चलेगा, इट्स फाइन। ओके डॉक्टर अभिनव जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बताए। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद डॉक्टर साहब कैसे हो? बस फाइल नंबर 1 की थोड़ी तबियत खराब है, आज टेस्ट कराया, कोविड का टेस्ट दिया, आज गला खराब होता है थोड़ा। गला खराब हो गया? फाइल नंबर 1 को हो रहा है। मैं तो व्यवहार स्वरूप हूँ, वो फाइल नंबर 1 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन उसका अपना प्रिकॉशन लेने का सब, लेकिन फाइल नंबर 1 को हुआ है, मुझे नहीं हुआ है। उसके जैसा बेस्ट 1 भी नहीं हो सकता है। तो थोड़ा हल्दी लेते रहने का और वो अपना ये लेने का कड़वा लीमड़ा होता है ना, कड़वा लीम काढ़ा ले रहा हूँ जाने के दो तीन बार। मैं गिलोय का काढ़ा वगैरह ले रहा हूँ, होम्योपैथिक की भी ले रहा हूँ मेडिसिन। बहुत अच्छा। बाकी बताइए क्या खबर है? बस बाकी बताइए, आज आपका अनुभव बताएं परेशान जी। हैं? आप क्या करते थे कोविड में? अरे डकल करते थे, ये डॉक्टर को फोन करो, वो डॉक्टर को फोन करो, वो डॉक्टर को फोन करो। फिर मैं बोला डखा बंद कर डालो, हिसाब पूरा कर डालो, खत्म करो सब। तो डखा बंद हो गया तो सब मजा आ गई, नहीं तो दिमाग परेशान करता था, अरे ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सब डखा करते थे, 3-4 डॉक्टर को रिफर करते थे और सब डॉक्टर अपनी दवाई देते हैं, सब फेल हो गए। संजोग ऐसा होता है ना कि आप ले नहीं सकते, यू कैन नॉट फॉलो एवरीबॉडी, करेक्ट। जिस हॉस्पिटल में दाखिल हुआ था वहां 2 डॉक्टर थे, वो बोलते हैं ये दो, वो बोलते हैं ये दो। मैं बोला भाई आप जो आता है उसको ही बोलो, आप जो देता है ठीक है, नो प्रॉब्लम। स्लॉट में मेरे को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं दिए थे, फिर सेकेंड स्लॉट में दिए थे। तो वो सब अपना हिसाब है, तो एंजॉय करने का हिसाब, देखने का कैसा हिसाब है। ये गला खराब होता है तो गले से कितनी अपनी तकलीफ होती है, कितना व्यवहार में दिक्कत आती है, नहीं तो अगर गला सही है तो किसी पे कैसे चिल्लाते हैं, ये सब देखने का तो मजा आती है। ओह ये तो गले के कारण चिल्लाते थे, हमको लगता था हम चिल्लाते। तो ये सब बिलीफ ब्रेक होती है, जो ब्रेक होती है ना उससे माइंड बहुत ओपन होता है,
अच्छा भगवान की बात समझ में आती है तभी। इसलिए बहुत ऑब्जर्व करो क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है, ये बॉडी कैसी चलती है, अपने आप चलती है कि हम चलाते हैं, सब अनुभव होगा, खूब अनुभव होगा। तो उसको देखा करो और कुछ माइंड पे बहुत ज्यादा लेने का नहीं, त्रिमंत्र बोलने का फर्स्ट क्लास। दादा भगवान का निधि ध्यान करो तो फर्स्ट क्लास, बहुत मजा आएगी आपको, एंजॉय करोगे आप इस चीज को भी। प्रतिकूलता को एंजॉय करने सीख गए ना तो सब हमको आता ही है। दादा का ज्ञान क्या बोलता है, प्रतिकूलता को एंजॉय करो। वो जाए 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 जाए, मैंने गलती की कि जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और तो वो अपने आप जाने वाला है, फिर क्यों माथा कोट करने की उसमें। सही बात, अपने आप जाएगा। अपना प्रिकॉशन सब जो लेने का है वो लेने का व्यवहार से। समझ में आया ना डॉक्टर? हाँ जी। घबराओ मत, घबराओ मत, फर्स्ट क्लास। नहीं नहीं घबरा नहीं रहे, बिल्कुल नहीं घबरा रहे, हिसाब है तो हिसाब तो आएगा, जो हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। हाँ बराबर है, बराबर है, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा ये बताइए मुझे कि केवल दर्शन का बताइए, केवल दर्शन क्या होता है, किस तरह उसको देखना है केवल दर्शन को? केवल दर्शन को देखना नहीं है, केवल दर्शन दादा भगवान बोलते हैं दूसरों में शुद्धात्मा दिखा वो केवल दर्शन है। और अल्टीमेट केवल दर्शन क्या है तो के अल्टीमेट केवल दर्शन क्या है तो के जैसे अभी आपको ये बुखार हुआ है या गले में खराश हुई है तो वो सब जब आप देखोगे तब पता चलेगा ये बॉडी इटसेल्फ चलती है। और जब बॉडी इटसेल्फ चलती है तो पूरा व्यवहार खुद के बॉडी का व्यवहार दिखने में आएगा कि ये इटसेल्फ चलती है। जो बाहर का फोर्स आता है और वो चलती है, बाहर का फोर्स आता है और चलती है, बाहर का फोर्स आता है चलती है, अंदर का फोर्स आता है और चलती है, अंदर का फोर्स आता है चलती है। तो तुम्हारा क्या है इसमें, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है इसमें, ख्याल में है? तो अगर खुद का वैसा दिखेगा तो दूसरों का भी दिखेगा कि दूसरों को भी बाहर का या अंदर का प्रेशर है और उस हिसाब से उन लोग चलते हैं। वो हमको दिखता है कि वो अपने हिसाब से चलते हैं, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। तो जब ये समझ में आएगा तो उसको केवल दर्शन बोलता है, ख्याल में है? दादा भगवान ने डेफिनेशन क्या दी है कि इस जगत को पोसाए या ना पोसाए, इस जगत को पोषाए या ना पोषाए, मैं कुछ भी करता नहीं हूं, कुछ भी करता हूं। ख्याल में है ना? मेरे मुझे हॉस्पिटल में था तो मुझे पोसाता नहीं था, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल में रहना पड़ता था, तो मुझे पोसाए या ना पोसाए, ख्याल में? मैं बिल्कुल करता नहीं हूं, ऐसा निरंतर ख्याल रहना। वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि मैं 3-4 दिन के बाद बाहर आ गया, लेकिन उसी रात को मुझे ब्रीदिंग का इतना प्रॉब्लम हुआ कि ताकि मुझे वापस सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग मुझे वापस हॉस्पिटल जाना पड़ा। अच्छा, मेरी बच्ची तो नहीं थी, फिर भी जाना पड़ा। तो हॉस्पिटल कौन ले गया? साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, धक्का मारा वो ब्रीदिंग ने, धक्का मारा कि चलो हॉस्पिटल जाने का है। तो वैसा सभी लोगों को इस तरह की कंडीशन में है। दीपक भाई को आज इस मोबाइल के सत्संग में बैठना नहीं है, फिर भी उसको बैठना पड़ेगा, धक्का है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, तो उसमें वो चलेगा नहीं, उनको बैठना ही पड़ेगा। हाँ ये तो वैसे भी डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज तो करना ही पड़ेगा, डिस्चार्ज करना है तो पूरे करने ही पड़ेंगे, नहीं है तो भी करने पड़ेंगे। क्या ये तो डिस्चार्ज है, ये तो वो जो निकाल निकाल हो रहा है वो तो करना ही पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा, होता है, होता ही है, तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, मर्जी हो या ना हो, लेकिन इसको जानना है, बोलना नहीं है, जानना है। जितना जानते जाओगे तो वो फिर निरंतर ख्याल में रहेगा, आपके लक्ष्य में रहेगा कि ये करता नहीं है कोई, मैं करता नहीं हूं, दूसरे भी करता नहीं है, ऐसा निरंतर जब आपको ख्याल में रहेगा उसको केवल दर्शन बोला। यानी इतनी जागृति बढ़ेगी, इतनी समझ बढ़ेगी, इतनी आपकी फाइल नंबर एक के ऊपर फोकस होगा, तब थोड़ा 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 करके आगे बढ़ता है। लेकिन उसके पहले दादा भगवान ने क्या कहा कि आप दूसरों में शुद्धात्मा देखोगे, वो ही दर्शन है, वो शुद्ध दर्शन है। आज तक हम इंसान को इंसान देखते थे, लेकिन अभी क्या देखने का, पैकिंग और शुद्धात्मा, पैकिंग और शुद्धात्मा, पैकिंग और शुद्धात्मा, ये देखते जाओगे, भले वाइफ है मगर पैकिंग है, शुद्ध आत्मा है। तो ये जितना देखोगे वो दर्शन आपका शुद्ध होते जाएगा, और फिर देन दैट विल कन्वर्ट इनटू केवल दर्शन।
जब घर में कोई बात होती है किसी से, जैसे वाइफ से, बेटे से, किसी से भी, तो उस समय एकदम ध्यान नहीं आता, फिर बाद में आता है, फिर जैसे उस समय नहीं दिखता एकदम। कि अभी अपना 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 पहले का जो पिछला जो बैलेंस शीट में थोड़ा ये है ना, डेबिट है ना, क्या मैं ज्ञान तो अभी चालू हुआ है ना। डॉक्टर ही आपको, डेंटिस्ट आप बने तो डॉक्टर ही बनने को कितना साल लगे? 5 साल है? 5 साल 5 साल तो हो तो 12th के बाद तो 12th में आपने तो 12 स्टैंडर्ड उड़ा दिए। 17 और प्लस रेसिडेंसी साहब, और रेसिडेंसी फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस, ओवरऑल 20 इयर्स फिर धीरे धीरे आप चालू करोगे विदाउट कॉन्फिडेंस, फिर 2-4 साल जाएंगे फिर कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा आएगा। एक दो पेशेंट को जो इधर उधर हो गया ना तो गए काम से। तो ये डॉक्टर बनने को 20 साल तो भगवान बनने को तो तुरंत भगवान बना दिया, लेकिन अभी खाली वो चीज पक्का होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, वो पक्का करना है अपने को, और कुछ नहीं है। तो लेट इसलिए आता है कि पहले का बैकलॉग है, पहले की जो मिसअंडरस्टैंडिंग से है, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज राइट नाउ वर्किंग। जैसे कंप्यूटर के अंदर वो हम लोग पढ़ते थे ना तो 1985-1980 कंप्यूटर था, उसमें प्रायोरिटी लेवल होता था 7.5, 6.5, 5.5, तो प्रायोरिटी लेवल चलती थी। तो अभी आपका जो पिछली समझ है उसकी वो अभी वर्कआउट कर रही है, अभी ये समझ तो अभी आपको अभी सुनी है आपने। तो जितनी जितनी समझोगे, जितनी जितनी पक्की होगी, देन इट विल स्टार्ट फंक्शनिंग। सो इट इज वेरी, इट इज अ वेरी गुड कि इट इज फंक्शनिंग विद इन 3-4-5 मिनट्स और हाफ एन आवर और 1 आवर, सो दैट इज फैंटास्टिक। तो मोर यू स्ट्रेस ऑन इट, मोर यू स्ट्रेस ऑन इट, तो देन टाइम विल रिड्यूस। जितनी आप उसको उपयोग दोगे, जितनी आप उसको वैल्यूएशन करोगे कि ये तो बहुत गजब की चीज है, तो ऑटोमेटिक प्रायोरिटी बढ़ जाएगी। एंड द प्रायोरिटी व्हेन इंक्रीजेस इट स्टार्ट फंक्शनिंग। समझ में आया नहीं? हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। इसलिए इसलिए अगर कम थोड़े समय के बाद मालूम पड़ता है तो आप प्रतिक्रमण करो, दादा भगवान को बोलो दादा ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे तो तुरंत मालूम पड़ना चाहिए। प्रतिक्रमण तो अज्ञान का करना है ना, प्रतिक्रमण हो अपन 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 वो 15 मिनट जो चली गई, 15 मिनट के बाद मालूम पड़ा, तो 15 मिनट कौन सी चीज अपने ऊपर ओवर पावर करके गई, ध्यान नहीं रहा ना उस समय तो करता था, इसलिए अपन ने शुद्धात्मा नहीं देखा। वो ओवर पावर क्या चीज करके गई 15 मिनट, किस चीज में खो गए थे, कौन सी चीज आपके ऊपर हावी हो गई थी, अंदर की मन की बात थी, बुद्धि थी, मन वचन हावी हो गया, वो मन वचन काया हावी कम हुआ, उसका फोर्स कम हो गया, तब आप वापस ज्ञान में आ गया। अरे क्या हो गया, समझ में आया ना। वो जितना जानोगे उसका प्रतिक्रमण करोगे तो दूसरी तरफ वो दूसरी बार तुरंत हावी नहीं होगा आपके ऊपर, और हावी नहीं होगा तो आपका फोर्स बढ़ा, आपका फोर्स बढ़ा तो आपको जागृति बढ़ी जाएगी ऑटोमेटिक। वो प्रतिक्रमण कैसे करना है, किस तरह करना है? प्रतिक्रमण तो एक हृदय से ही करने की बात है, लेकिन शब्द में तो बात अलग है, सबको जनरल इन जनरल बोलना पड़ता है, लेकिन आपको तो प्रतिक्रमण ऐसा बोलना है, दादा ये आगना चुप गया या मन की बात सुनी इसने अभिनव ने, तो मैं शुद्धात्मा हूं तो अभिनव ने बात सुनी तो मैं अभी अपना मन नहीं देख सकता हूं, तो अपने मन को मैं एग्जैक्ट देख सकूं, बुद्धि को देख सकूं, ऐसी मुझ पर कृपा करो, और फिर से उसकी बात में नहीं आऊं ऐसी मुझे शक्ति दो। ख्याल में है ना? हाँ जी। ज्यादा फोर्स तो हमारा ये बुद्धि का और अहंकार का है। हाँ, वो तो उसको हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऐसा मानते कि वो मैं बोल रहा हूं, मैं कर रहा हूं, तो उसके कारण वो लैप्स हो जाता है, जागृति बढ़ जाती है, कम हो जाती है, और जागृति कम होने के कारण फिर 10-15 मिनट के बाद वो फोर्स कम हो गया, तब आपको मालूम पड़ता है अरे क्या हो गया, तो गलत हो गया। इट इज ऑल्सो ए वेरी गुड नहीं कि प्रज्ञा काम करती है। तो अभी अपने को इतना देखना है कि प्रज्ञा फोर्स में काम नहीं करती है, तो प्रतिक्रमण से वो जो फोर्स था वो कम होता है, तो फिर प्रज्ञा और जोरों से काम करेगी। तो प्रज्ञा को और जोरों से काम करने के लिए, प्रज्ञा का फोर्स बढ़ाने के लिए प्रतिक्रमण करना है। या तो 5 आज्ञा हम चूक गए, तो वो चूक
का प्रतिक्रमण किया, दादा पांच आज्ञा चूक गए, माफ करो भूल हो गई, तो प्रज्ञा को मजबूत किया, प्रज्ञा को मजबूत किया, प्रज्ञा को फोर्स मिला, प्रज्ञा को फोर्स मिला, तो फिर दूसरे अंदर से जो फोर्स आएंगे उसके सामने वो लड़ेगी, और लड़ने से या तो देखेगी, और देखने से वो तुरंत आपका टाइम स्लॉट कम हो जाएगा, जागृति बढ़ी ना, इसलिए प्रज्ञा को शक्ति देनी है हमको, बढ़ाना है, वैल्यूएशन करनी है। बात समझ में आई? हाँ जी। बाकी तो ठीक है ना सब? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी तो जय सच्चिदानंद, परेशानंद जी जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद। वो दीपकानंद जी आपको मैंने वो व्हाट्सएप में दो पोस्टर भेजे हैं, वो पहला वाला है टेंशन नो कारण मन भमे छे कोई जग गया है, परेशानंद जी इसका थोड़ा अर्थ बताएं। क्या पूछा आपने? टेंशन नो कारण मन भमे छे कोई जग गया है। हाँ, इसमें क्या आपको समझना है? वो क्या बोलना चाह रहे हैं वो समझ नहीं है, टेंशन से कारण मन घूमता है, वो कोई कई जग गया है, क्या बताना? हाँ, टेंशन का रीजन, टेंशन क्यों आते हैं, हमको टेंशन आते हैं ना कभी कभी। हाँ, तो अगर अपनी ये वॉश मशीन का पानी जो जाता है वो ब्लॉक हो गया तो क्या होगा? मतलब ये बोलना चाह रहे कि टेंशन का कारण ये है कि मन घूमता है कई जगह, ऐसा बोलना चाह रहे? हाँ, मन मन वो जो जैसे भवरा फूलों के पास घूमता है ना, वैसा कोई एक जगह पे हम फंस जाते हैं। अच्छा, तो वो चीज आपको प्रेशराइज करती है, और प्रेशराइज के कारण टेंशन क्रिएट होता है। अच्छा अच्छा, थोड़ा एक जैसे समुद्र में टेंशन एक प्रेशर चेंज हो जाता है, और दो लो हाई प्रेशर के कारण वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, टॉर्नेडो या क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। हाँ, वर्टेक्स जो होता है, वैसा ये मन के अंदर भी होता है, कोई एक जगह पे चले गया तो दूसरी जगह पे लो हो गया, इस जगह पे हाई हो गया, ऑटोमेटिक टेंशन खड़ा हो जाएगा, बवर बवर बोलते हैं। तो हाँ, ये कह रहा है कि मन कोई दूसरी जगह चले जाता है उसके कारण टेंशन हो जाता है, मतलब मन अपने अपने भमे छे, कैसे भाई भमे छे बोला है, भमे छे यानी उसी जगह पे रहता है, उसी आगे उसी जगह के आगे पीछे घूमता रहता है। अच्छा, भमे मतलब मधुमक्खी जैसा। अच्छा, भमे, अच्छा समझ में आया। तो एक जगह अटक जाता है तो वहां टेंशन। हाँ, हाँ, बस 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 एक जगह पे अटक जाता है। अच्छा, ये है, ये ऑब्जर्व करना तो आपको समझ में आएगा। सपोज इस गर्मी के अंदर आपका एसी काम नहीं करता है तो व्हाट विल हैपन? हाँ जी, तो आपका दिमाग उसकी अंदर ही रहेगा, क्या हुआ होगा, कैसे मिलेंगे, कैसे करेंगे, ये वो टेंशन चालू हो जाएगा। अरे कल क्या, कल कैसे करेंगे, ये करेंगे, क्या करेंगे, ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। समझ आएगा ख्याल में? हाँ, इसको बहुत समझने जैसा है। इट इज ए क्रिएटिंग ए प्रेशर, दैट्स इट। टेंशन यानी मालूम है ना आपको, टेंशन क्या होता है? जी, समझ। क्या होता है टेंशन? टेंशन होता है कि वो अंदर से सब हिल जाता है, वो माइंड जो है उसमें विचार आते हैं। नहीं नहीं नहीं, टेक्निकली टेंशन क्या होता है ये बताइए। मतलब एक रेस्टलेसनेस होगा उसमें, मतलब एक टेक्निकली मतलब माइंड के लेवल पे रेस्टलेसनेस होगा, बॉडी के लेवल नहीं, पे माइंड लेवल छोड़ दो, माइंड लेवल छोड़ दो, बाहर का प्लास्टिक लेवल पे या तो मेटल लेवल पे क्या होती है, किसको टेंशन बोलते हैं? मुझे पूरा मुझे इतना ही समझ में आता, आप बताइए। तनाव 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 ये है ना, ये देखो मेरे हाथ में ये है, क्या बोलते हैं, डब्बी है, तो टेंशन यानी दोनों बाजू से उसको खींचना। अच्छा, हाँ, तो ऐसा होता है दिमाग के अंदर। अच्छा, तो टेंशन का अर्थ समझोगे तो बहुत मजा आएगी। नहीं नहीं, समझ गया। एक और थोड़ा बता दीजिए, वो नेक्स्ट वाला जो है, ठीक है, उसमें लिखा है। लेकिन आपको ये समझ में आया? ये समझ में आया जी, मुझे समझ में आया। पहले तो मतलब कि थोड़ा सा ना, मतलब आपने समझाया अच्छे से, ग्रामर भी बताया। टेंशन जो है ना, टेंशन शब्द समझ में आएगा ना तो तुरंत ये बात समझ में आ जाएगी कि टेंशन मीन्स इट प्रोलोंग्स फ्रॉम बोथ साइड्स, मीन दोनों साइड से खिंचाव होता है। यानी ये खिंचाव यानी क्या, तो एक जगह पे मन अटक गया, दूसरी जगह पे सब काम चालू है,
तो ऑटोमेटिक वो खींचता नहीं होती है एकदम, इसके लिए टेंशन खड़ा हो जाता है। आप बोल रहे कि वो जो खिंचाव है वो महसूस होता है अंदर से जो है, ये है? आप बता रहे खिंचाव जो होता है टेंशन, हाँ वही मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं, आपने क्या जो बताया मैं समझ गया। नहीं ये टेंशन का मतलब समझ में आया ना आपको? हाँ वही मैं बताया ना, मुझे समझ में आया। हाँ तो वैसा दिमाग के अंदर होता है, ये बोलता हूँ मैं आपको, वो स्थूल लेवल पर है, ये सूक्ष्म लेवल पे होता है, तो दिमाग के अंदर टेंच खड़ा हो जाता है। जी जी सही है, ठीक है। मैं एक और पूछ सकता हूँ जी? बोलिए बोलिए। क्या जो वो जानू ए अने जागृति ए जुदी वस्तु छे, जो वो जानू ए तो करेक्टनेस छे अने जागृति तो वट गट थाय, यस, तो ये थोड़ा बताइए जो जानू अने जागृति में क्या अंतर है? देखो देखो आपने सन को देखा है, सन को, हाँ जी, सूर्य नारायण को देखा है आपने? हाँ, तो सूर्य नारायण के ऊपर अभी धीरे धीरे बरसात की सीजन आएगी, तो कभी सन सूर्य नारायण दिखेंगे और कभी बादल आ जाएंगे तो दिखेंगे नहीं, इतना तो समझ में आता है। हाँ, तो उसको जागृति बोलते हैं। अच्छा, सन तो वैसा का वैसा ही है। हाँ, जो आत्मा का स्वभाव जो देखना जानना है, हाँ, वो तो वैसा का वैसा ही है। अच्छा, तो वैसा। लेकिन जो जागृति है, हाँ, ख्याल में ना, जागृति यानी मैं शुद्ध आत्मा हूं और परेश फाइल है, वो जागृति अलग चीज है और देखना जानना वो अपना स्वभाव है, इसलिए करेक्टनेस है। लेकिन जागृति तो जागृति वो बादल आते हैं तो कम हो जाती है और बादल चले जाए तो फिर बढ़ जाती है, मतलब अपना स्वभाव तो हमेशा के लिए रहता है लेकिन इसलिए उसको करेक्टनेस बोला। करेक्टनेस बोला, ठीक है, समझ में आया, धन्यवाद। यस सर, यस सर। वैसा वैसा अपने अंदर कर्मों का फोर्स बढ़ता है तो जागृति कम होती बढ़ती जाती है, ऐसा वैसा आपने प्रश्न पूछा ना कि कभी कभी बाद में पता चलता है, बाद में पता चलता है, ख्याल में, समझ में, ठीक है, धन्यवाद। जय सर, राइट सर, जय सच्चिदानंद। कहाँ गए? ओके, अरे कोई सो रहा है, किसी का हाथ दिख रहा है? जया बहन, किसका हाथ दिखाई दे रहा है आपको? हाँ हाथ ऐसा आ रहा है। ओ डॉक्टर, नहीं नहीं नहीं, नहीं। जय सच्चिदानंद हरीश भाई, जय सच्चिदानंद। मोनिका बेन आफ्टरवर्ड नेक्स्ट। हाँ बोलिए जया बेन। चार्ज में प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होता। वाह, चार्ज में प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होता। नहीं, सबसे पहला शब्द बोलो। चार्ज में ओके। चार्ज में खुद होता है। खुद होता है। डिस्चार्ज में प्रतिष्ठित आत्मा होता है। यस, और चार्ज में खुद होता है। खुद होता है। करेक्ट। खुद, हाँ। तो आई वांट टू नो दैट वो अहंकार जो चीज है, वो अहंकार जब तक गया नहीं है तो अहंकार अपना काम तो करेगा ना। तो जो हम लेके आए हैं माल, वो तो निकलते रहता है, तो उसमें अहंकार की कुछ चलती नहीं है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो जो उसको फरजियात भाग बोलते हैं, कंपल्सरी पार्ट बोलते हैं। लेकिन जब वो डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज होने के बाद अहंकार अपना चोंच दुबो के रखता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये गलत है, ये सही है, ये कुछ ना कोई अहंकार बोलते रहता है, तो उसको चार्ज बोलते हैं। तो उसमें वो हम है, मैं हूं मानते हैं ना। हाँ, समझ में आया। इसलिए प्रतिष्ठित आत्मा वो डिस्चार्ज वाला भाग है, क्योंकि वो आपने लास्ट भाव में क्रिएट किया हुआ है खुद से। तो जब डिस्चार्ज होता है तब हम जो खुद होते हैं, जो अहंकार होता है, वो कुछ ना कुछ चार्ज करे बिगड़ रहता नहीं।
एंड क्रिएटिंग अ न्यू प्रतिष्ठित आत्मा फॉर द नेक्स्ट बर्थ. समझ में आई बात? ना थोड़ा सा. आई डिडंट गेट इट प्रॉपरली. उतना नहीं समझा. क्या नहीं समझा बोलो ना, क्या नहीं समझा? वो प्रतिष्ठित आत्मा चार्ज में प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होता. हाँ, वो क्या बोलते हैं? खुद होता है प्रतिष्ठित आत्मा. एक एक डिस्चार्ज अहंकार वाला भाग है, एक चार्ज अहंकार वाला भाग है. तो हाँ, जो डिस्चार्ज अहंकार है वो जो होता है वो प्रतिष्ठित आत्मा है. वो भोक्ता पद का अहंकार होता है, कर्ता पद का अहंकार नहीं होता. जिसने ज्ञान लिया है तो कर्ता पद अहंकार निकल जाता है, भोक्ता पद का अहंकार निकल रहता है, तो प्रतिष्ठित आत्मा रहता है. प्रतिष्ठित आत्मा डिस्चार्ज होता है, नया चार्ज नहीं होता, क्योंकि हमको हमको रियलाइज हुआ कि मैं शुद्ध आत्मा हूं. लेकिन जब तक हमको रियलाइज नहीं हुआ है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, तब तक तो आप क्या हो? बोलो ने फाइल ना. जब तक आपको रियलाइज नहीं हुआ कि आप शुद्ध आत्मा नहीं हो, तब तक आप क्या हो? फाइल वन, फाइल नंबर वन है. अरे वो तो ज्ञान लेने के बाद फाइल नंबर वन हुआ. लेकिन okay, okay. जब तक आपको रियलाइज नहीं हुआ है मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तब तक क्या हो आप? आई एम जया. अच्छा, हाँ जया बहन हो. तो वो जो मैं पर है, मैं वो जया के अंदर आप करते हो. जया के अंदर मैपन होता है, तब तक चार्ज होता है और नया प्रतिष्ठित आत्मा बनते रहता है और पुराना प्रतिष्ठित आत्मा डिस्चार्ज होता है. दादा भगवान ने कहा क्या कि अभी ज्ञान लेने के बाद जो मैं है, जो जया में मैं था, वो निकल के शुद्ध आत्मा में आ गया, इसलिए चार्ज बंद हो गया और जो पुराना डिस्चार्ज हो रहा है प्रतिष्ठित आत्मा है वो डिस्चार्ज हो रहा है, इसलिए ऑटोमेटिक आपका मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि नया चार्ज होता नहीं है. हाँ, समझ में आया? हाँ, नहीं आया? समझ में आया. ठीक है, ओके. हाँ, जय सच्चिदानंद. आपने कहाँ पढ़ा था ये? आज का, आज सुबह भेजा ना. हाँ ठीक है, दिव्य देशना. हाँ ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू. जय सच्चिदानंद. मोनिका बहन, जय सच्चिदानंद स्वामी जी. जय सच्चिदानंद. स्वामी जी, ऐसा हुआ था कि अभी मार्च में मेरा पूरा ट्रीटमेंट हुआ है कैंसर का, तो कैंसर का पूरा ट्रीटमेंट हुआ है. अभी कीमो रेडिएशन पूरा फिनिश हो गया मेरा. किसको? मुझे हुआ था, मोना को. तो उसके बाद ऐसा हो गया है कि जैसे फैमिली में बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, एक बेटा है, तो हमेशा ये रहता है कि ये लोग मेरी केयर करें, मेरा ध्यान रखें. आज मुझे कुछ तकलीफ होती है, कल कुछ तकलीफ होती है, और जैसे वो लोग ध्यान नहीं रखते ना, तो बहुत बार कषाय, मतलब गुस्सा आता है उन लोगों पर. थोड़ी देर बाद लगता भी है कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए. तकलीफ होती रहती है ना, तो अच्छा नहीं लगता है. ओके, तो माइंड, जैसे आपने अभी बताया ना कि आपको जैसे कोविड हुआ था, तो तब आपके माइंड में ये रहता था कि अच्छा मेरी जल्दी से तकलीफ ठीक हो जाए. तो कहीं ना कहीं बार बार ये लगता है कि मैं जल्दी से ठीक हूँ तो मैं सब काम कर पाऊंगी. तो मैं यहाँ समझना चाहती हूँ कि मैं बहुत जगह ऐसा लग रहा है मैं अटक रही हूँ कहीं. देखो, सबसे पहली बात है कि ये संसार का, ये आपने, आपको जो ये दिखने मिला ना, ये जो समझ में आया, आपको जो दिखा उससे समझ जाने का कि ये संसार ऐसा ही है, जिसको हमने अपने माने है या अपने बॉडी माना है, बॉडी भी अपनी नहीं है. हाँ, समझ में आया? हाँ, ये बहुत बड़ी बात समझ में आई. तो ये तो पुण्य अपना हुआ. हाँ, ये संसार, दादा भगवान ने बोला है ये संसार सब घाट वाले है, स्वार्थ में है. जब तक काम आते तो करते, नहीं तो कुछ नहीं, सब भूल जाते हैं. हाँ, किसी का नहीं रहा, चक्रवर्ती का भी नहीं रहा और भगवान का भी नहीं रहा. जी आया. कृष्ण भगवान ने पांडवों को इतनी हेल्प की थी, लेकिन वही पांडव एक बार युद्ध के बाद तो पांडवों ने उनकी मजाक उड़ाई थी. ख्याल में है ने? हाँ, संसार का स्वभाव ही ऐसा है, कोई किसी का है नहीं, सब मानते हैं खाली कि ये मेरा बेटा, ये मेरे हस्बैंड, वो तो हिसाब पूरे करने के लिए आए है. हाँ, तो संसार का ऐसा स्वरूप दिखने मिला, वो बहुत अच्छी बात है इस कलयुग में. अच्छा, हाँ, तो बहुत बहुत दादा भगवान का बहुत उपकार मानो कि ये संसार ऐसा है और कैंसर हुआ है,
तो दादा का विज्ञान पक्का कर लो अभी तो, कि भाई अभी तो मोक्ष जाना है यानी क्या, संसार से छूटना। जी बिल्कुल, ख्याल में ना, संसार से छूटना यानी क्या, गलत समझ से छूटना। हाँ आया, ख्याल में गलत समझ यानी क्या, तो के भाई बाहर सुख है, तो के नहीं बाहर नहीं है, मेरे अंदर शुद्धात्मा में सुख है। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छा हुआ। हम्म, तो पॉजिटिव लो और एंजॉय करो। ठीक है तो स्वामी जी, और कोई नहीं आता है, कोई मदद करने के लिए नहीं आता है, तो प्रतिक्रमण करो, विधि करो सब अच्छा, उसको वो डायरेक्शन में शक्ति डाल दो आप। ठीक है, और जो स्वामी जी जैसे ये जो कषाय मतलब बच्चों पे जो गुस्सा होती रहती हूँ दिन भर, तो बुरा लगता है कि क्यों दिन भर उन पे गुस्सा होती रहती हूँ, वो नहीं करते तो काम नहीं, मेरा ऐसा काम। नहीं, नहीं करना ऐसा नहीं होता, आपको अंदर रखने का कि मुझे करना नहीं है, लेकिन हो गया तो बाद में प्रतिक्रमण करने का, अभी उनको बोलने का, आपको बोलने का अपने आप को। आपने वो मूवी देखी है, राजेश खन्ना की मूवी, कौन सी ओ, मुझे मालूम नहीं, नाम याद नहीं आता है, बाबू मोशा कुछ, बाबू मोशा याद। हाँ हाँ, आनंद आनंद आनंद, हाँ ऐसी कोई, वो मूवी देख लो ना आप। अच्छा, फिर उसको मालूम पड़ेगा कि मैं मर जाने वाला हूँ, तो फिर सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं ना। हाँ ठीक है, तो ऐसा करो नहीं भाई, अरे ये तो व्यवहार की बात है एकदम। और स्वामी जी हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ करने का नहीं, ठीक हो जाओ वो तो वही संसार का क्या बोलते है, तृषा है वो तो, देखने का आपको कि मैं शुद्धात्मा हूँ, अभी मैं ठीक ही हूँ। अच्छा। और जो ये ठीक जो नहीं हो रहा है वो तो हिसाब चुका रहा है अपना पिछला, तो जो हिसाब चुका रहे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बस यही समझ मन में रहे कि हाँ ये जो तकलीफ हो रही है, हाँ, ये मुझे स्टार्टिंग में ऐसा हो रहा था, लेकिन बाद में इतना आनंद आया कि अरे ये तो मेरा टेस्टिंग है ज्ञान का, तो फिर मुझे बहुत मजा आ गया। हाँ, ये जो आपने बोला ना कि मुझे बड़े हिसाब से छुड़ाने के लिए आया, और मैं बोलता हूँ कि जल्दी छुड़ो, जल्दी काहे के लिए छूटो भाई, चल पूरा कर, तो फिर हंसते हंसते सब हो गया, तो इतना मजा आ गया ना कि पूछो नहीं। बहुत अच्छे से समझ में आया स्वामी जी, ये आपने बताया ना कि जो ज्ञान की टेस्टिंग हो रही है, इससे बहुत अच्छे से समझ में आया। वो पुद्गल तो वैसे भी जाने वाला है, वो तो आपको पता चल गया कि अभी जाने वाला है। हाँ, अचानक चला गया तो क्या करोगे, कुछ भी नहीं। उससे अच्छा तो ये अपने को अभी से पता चला, तो ज्ञान के अभी पक्का करने का, चलो भाई अभी अपने ज्ञान का कर लो, ताकि अपना अगला भाव तो फर्स्ट क्लास रहेगा। हाँ, और किसी को दुख नहीं देना है, ये इतनी पीड़ा होती है कैंसर में, तो कितनी पीड़ा अपने, कितना असाधना की होगी, किसी को कितना दुख हुआ होगा अपने से, तभी आई ना असाधना। हाँ, सही आती नहीं है। हाँ, तो नक्की करने का कि अभी किसी को कोई भी हिसाब से कोई मुझे दुख दे जाए तो चलेगा, लेकिन अभी मुझे किसी को दुख देना नहीं है, समझ में। हाँ, तो आया बहुत इस नेगेटिव संयोग के अंदर आप बहुत ऊपर चढ़ सकते हो, ख्याल में स्वामी जी, भगवान की शक्ति जब प्रतिकूल संयोग आए तब पूरी खिल उठी और केवल ज्ञान हो गया, तो आप भी इसका लाभ ले लो। जी स्वामी जी, बहुत अच्छे से समझ में आया स्वामी जी, बहुत 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 धन्यवाद स्वामी जी। राइट सर, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। नीता बहन, मोरबी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बोलो, आपको हिंदी में पूछना है, गुजराती में नहीं पूछना है। मने नहीं फावे बहु। नहीं नहीं नहीं, आप हिंदी में बोलो, भले जैसा बोलो वैसा चलेगा। बड़े दांत काट से ना करता। हाँ, कोई वादा नहीं, कोई वादा नहीं। चलो तुम क्यों छोट ले बोलो। मुझे ये पूछना था कि एक कोरोना मुझे भी आया था ना, तो ऐसा अंदर चलता है कि कुछ जागृति कम हुई या कुछ अंदर फेरफार, ऐसा क्या दवाई या कुछ खुराक क्या उस पर कोई असर ऐसा पड़ता है क्या? ऐसा पड़ता नहीं है, अशाता वेदनी का उदय होता है कर्म का। हाँ, अशाता वेदनी कर्म का उदय के कारण बॉडी में फोर्स ज्यादा रहता है कर्मों का, तो वो कर्मों के फोर्स के कारण जागृति कम दिखती है, कम लगती है, लेकिन थोड़ा समय मिला तो अपने को सेट करने का वापस,
वो धीरे 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 सेट हो जाता है। वो तो पहले दो दिन ऐसा होता है, तीसरे दिन और कम होता है, चौथे दिन और कम होता है, बाद में एकदम कम हो जाता है। लेकिन 4:30 बजे जो कीर्तन भक्ति जो शुरू हुई थी ना, तो कोरोना आया तब से कीर्तन भक्ति बंद हुई। हाँ फिर तय किया के उठने में दिक्कत नहीं है, 5:30 बजे पहले शुरू शुरू में, फिर 5 बजे, अभी तो कितने दिनों से 4:30 बजे उठ जाती हूँ। विधि पहले से 1-2 बार कभी कभी कीर्तन भक्ति जो पहले कर लेती हूँ ना, तो 1 घंटा तो हो जाती है, फिर विधि का सब कुछ 7 बजे तक हो जाता है, फिर भी पहले विधि शुरू कर देती हूँ और फिर कुछ काम याद आते इतना अंदर से फोर्स आता है तो मैं छत पर जाती हूँ विधि करने के लिए, तो नीचे ले नीचे ही आ जाना ऐसा होता है। तो आज देखने का कि नीता बहन को विधि करने नहीं देता है। नीता बहन विधि करने हो गई, विधि हो जाती है कीर्तन भक्ति जो 1 घंटा टाइम पूरा मिलता है, एक घंटा कीर्तन भक्ति करनी होती है ना, वो नहीं हो पाती। फिर आज तो तय किया था कि 108 बार 9 कलम करनी है, तो ऐसा बोलकर नीचे जल्दी जल्दी ले सब पूरा काम खत्म कर दिया। 9 बजे फ्री हो गई, आपको फोन करना था कि मुझे विधि कर दो, मुझे 108 बार शाम तक हो जाएगी, 108 बार 9 कलम बोलनी है ना, तो आपको फोन करने दिया ना विधि करने, किसी का फोन आया कुछ ऐसा, टीवी चालू करके बैठ गए दोपहर, फिर थोड़ी देर आपका सत्संग और जेमिस भाई का सत्संग शुरू किया 12:30 बजे ध्वनि बुलाने के लिए कि खाना। कितना बड़ा लाभ हुआ, कितना बड़ा लाभ हुआ आपको ये जानने को मिला आपको, कितना बड़ा लाभ हुआ मालूम है आपको, जो आप चाहते हो हुआ नहीं संजोग के कारण। हाँ। नहीं हुआ तो वो लाभ कितना बड़ा हो गया, दादा भगवान का बात समझ में आई न कि साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, और कुछ काम भी नहीं था। अरे नहीं होते फिर भी करने नहीं देता है वो, 9 कलम करना हो तो बहुत पुण्यानुबंधी, पुण्य का उदय चाहिए तब होता है। इसलिए वो भी पुण्यानुबंधी, पुण्य भी संजोगी है, ये हम जो मानते हम विधि करते हैं ऐसा नहीं है, वो संजोग सब सही बैठते तो विधि कर सकते हैं, नहीं तो विधि करने के टाइम ही बाथरूम जाने का होता है और बाथरूम जल्दी निकलता नहीं है, 15-20 मिनट आधा घंटा उसमें जाता है, वो अंदर बैठा रहता है विधि का तो समझ में आया। इसलिए अपने को ये समझ में आया कि ये सब अपने हाथ में नहीं है, संजोग बनते है तो होता है, इसलिए जितना चांस लेना है जब भी टाइम मिलता है तो कर लो, होता है तो जितना कर लिया उतना काम बन गया, नहीं तो गए काम से, और जरा भी अंदर ढीलापन हो गया कि होगा होगा ऐसा जो होता है ना, उसे ये सब स्लिप हो जाता है फिर। अच्छा, और कल मेरा बर्थडे था, सबसे पहला काम जानने का करने का कि अंदर क्या होता है, देखो देखो ये संयोग से ऐसा हो गया और नहीं हुआ, ओ उसका मतलब ओ बहुत चेतने जैसा है भाई कि अपनी मर्जी से होता नहीं है 9 कलम, ये खुद ऐसा देखने का, ये देखने के बाद बहुत अलर्टनेस बढ़ जाएगी, फिर पक्का हो जाएंगे, फिर पोल नहीं मारेंगे, नहीं तो पोल मारते हैं अकेले करने, जो कोई दूसरा साथ में हो ना तो हो जाती है ऐसा बोले अंदर के, दो जना हो तो अच्छा रहेगा, संजोग बोलते हैं ना, दूसरा साथ में होना वो संजोग नहीं है वो भी संजोग है ना। हाँ हाँ और तुम्हारे साथ मीता बहन है वो भी एक संजोग है, ओ बड़ा संजोग। हाँ नीता बहन का चीत उसके साथ रह हुए वो भी एक संजोग है, उसकी बुद्धि उसके साथ रह हुए वो भी एक संजोग है, और बुद्धि होने के बाद नहीं माने तो वो भी एक संजोग है, लेकिन वो जागृति में जाता है, पुरुषार्थ में जाता है। अच्छा हाँ, क्योंकि जानने वाला वहां खड़ा था कि ये बुद्धि के हिसाब से चली या तो टाइम ऐसा हुआ और मन के हिसाब से इधर से इधर 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 ऐसा हो गया, तो जानने में आया वो बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। समझ में आया, 9 कलम, 9 कलम बोलने से, 9 कलम बोलने से अंदर का फोर्स कम होता है तो फिर उपयोग में रहने की शक्ति आती है, उपयोग में ऐसे रहने की शक्ति नहीं आती किसी की, इतना आसान नहीं है वो उपयोग में रहना। हाँ हाँ।
तो नव कलम बोलने से शक्ति आती है उपयोग में रहने की, यू गेट अ पावर। हाँ आया, ठीक है। कल मेरा बर्थडे था, हाँ 15 तारीख को, तो सुबह से एक बर्थडे मिस नहीं करते मैं आपका आशीर्वाद लेने बगैर। कल सुबह से चलो अभी फोन लगाओ ऐसा करते कुछ भूल जाओ, और अनुपमा और घूमे किसी के पैर में देखने के लिए बैठ गए। फिर भैया के यहाँ से फोन आया और बा और चंद्रिका के पास चली गई। पूरा दिन ऐसा कर आपको आपका ना तो फोन किया ना तो सच्चिदानंद किया। आज 15 हो गई मानो ने, खत्म हो गई बात। सच्चिदानंद दर्शन हो गया ने, आज 15 हो गई, उसमें क्या है। जय सच्चिदानंद, खूब आशीर्वाद। उतनी हमारे में भी कचास है नहीं कि 15 तारीख के बर्थडे में हमको फोन नहीं किया, तो अपनी हमारी कचास है ज्यादा। नहीं मैं तो आदमी खाना बाजू पे रखता और फोन पहले करता है। यही सच्चिदानंद सुनाई देता है। हाँ ओके, मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया है। तुम मत हैंग हो जाना भाई। यार मैं हैंग नहीं हो गया, कर्सर ही नहीं हाथ में आ रहा है। I don't know what to do. चीज चोटी जाते रहे, हैंग थी जाए क्यों है। अरे यार क्या करूं, एक मिनट कश्यप भाई को बोलो हैंग हो गया हूं। वन मिनट है, बेस्ट हो रहा। कश्यप भाई बोलो, लाइव एग्जांपल देखो, टेंशन आ गया, हैंग हो गया तो। रजनी भाई प्लीज टेक ओवर। Rajni bhai, you have to come in. I can't unmute you. Unmute yourself. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुनाई देता है। फर्स्ट क्लास। हेलो ओके, किसी को प्रश्न है? ओके अमिता बेन, वन मिनट अनम्यूट करिए। अमिता बेन
बोलो बोलिए। परेशान जी सुनाई देता है? नहीं नहीं बहुत कम। जोर से बोलो ना जी। हेलो आस्क हर टू कम एट द हाई एंड पोजीशन। फोन नजीक आके बोलिए इस तरह से। बोलो अमिता बेन बोलिए। हेलो अमिता बेन बोलिए, मेरा आवाज सुनाई देता है? मेरी आवाज सुनाई देती है? ओके परेशान जी, किसी को प्रश्न है तो बताएं। हाँ जय सच्चिदानंद। हाँ बोलिए। संभाई से आवाज मारो। बोलिए सुनाई देता है? परेशान जी सुनाई देता है? यस यस वेरी क्लियर। बोलिए। वो कंप्यूटर तो हैंग होता है तो कर्सर से अपन ठीक कर सकते हैं, बट ये चीज कैसे, कौन सा कर्सर यूज करने का? वो कर्सर ऐसा यूज करने का कि वो पराई चीज है। जब तक अपनी मानोगे तब तक वो हैंग हो जाएगा। वन सेकेंड, मैंने आवाज नहीं आउ तो। मैं ऐसा बोलता हूँ कि जब तक उसको अपनी मानोगे वो हैंग हो जाएगा। उनको सुनाई नहीं देता बोलते हैं। हेलो 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 रुकिए परेशान जी। किसी को प्रश्न है? Anybody? नीता बेन आपको प्रश्न है? ओके अनम्यूट करें। हेलो जय सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद। हाँ बोलो। એ પ્રશ્ન મને થયો પણ આવી ગયો ને એટલે હું ના બોલ કે કમ્પ્યુટર હે પ્રોગ્રામ કમ્પ્યુટર તો જીત જીત હેક થઈ જાય ત્યારે શું કરવાનું? કમ્પ્યુટર હેંગ થઈ જાય એટલે પોતાનું નથી માનવાનું ને, આ મન વચન કયા મન એક જગ્યા પર અટકી જાય ત્યારે તબ બોલના હે કે યે મેં મુજે નહીં હો રહા હે, તો મન કો વિચાર આ રહા હે, मन में विचार आता है तब हम बोलते क्या है मुझे विचार आते हैं तो हैंग हो जाता है। पिन पिन चोटी जाए या खसवा तो दिए मन, तभी बोलना है ना कि मुझे नहीं हो रहा है तो पिन पिन निकल जाएगी। मुझे हो रहा है बोलने से पिन चोट जाती है, मुझे नहीं हो रहा है बोलने से सिर्फ इतना ही बोलना है। ओ, और क्या इतना ही बोलना है। किसी को दुख दे किसी का दोष दे के पिन वहीं पे ही अटक जाती है, किसी का नेगेटिव देखने में ही अटक जाती है ना पिन। तो तभी बोलना है ना कि ये ऐसा क्यों करती हो, तेरे को नेगेटिव और चाहिए लाइफ में, तू जो देखेगी वो तुझे मिलेगा, तू पॉजिटिव देखेगी तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव देखेगी नेगेटिव मिलेगा, और शुद्धात्मा देखेगी तो शुद्धात्मा हो जाएगी। अच्छा सही बात। हाँ ऐसा बोलना है उसको। हाँ हाँ पीन निकल जाएगी उसकी ऑटोमेटिक। हाँ 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 घर में है ना, पहला पॉजिटिव तरफ जाने का, फिर धीरे धीरे पॉजिटिव में से भी निकल के शुद्धात्मा तरफ जाने का, फिर हाँ
ख्याल में ना, कलयुग में हम आए तो नेगेटिव पड़ा है, तो नेगेटिव में से निकलने के लिए पॉजिटिव में आओ, पॉजिटिव में फिर शुद्धात्मा की ओर जाओ, नहीं तो डायरेक्ट शुद्धात्मा पे जाओ, लेकिन पॉजिटिव रख के जाओगे तो बहुत अच्छा है, इजी हो जाएगा सब, क्योंकि व्यवहार ठीक हो जाते हैं ना। ठीक है, आपने बताया था ना कि व्यवहार को बहुत महत्व नहीं देना, ये सब व्यवहार ही है, वो अंदर से मन से, बाहर से नहीं, बाहर तो लोग व्यवहार को देखते हैं, इसलिए तभी बाहर से वैल्यू करने का, अंदर से वैल्यू नहीं करने की। हाँ, अंदर की बात बता रही हूँ आपने। हाँ। थोड़े दिन के मैंने के मेरा व्यवहार में मैंने जो दब्बड़ता किया था वो वही व्यवहार से ऊपर से आपने समझाया था कि उसको महत्व ऐसा मत देना, तो तब कभी पिन अटक जाती है ना, तब व्यवहार में ही अटकती है ना कि इसने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, तभी पॉजिटिव बोलना है। तभी पॉजिटिव बोलना है कि अरे ये तो बहुत बड़ी उपकारी है मुझे ज्ञान में रहने के लिए। लेकिन ये याद आ जाता है कि ये व्यवहार है, व्यवहार को बहुत महत्व नहीं देना है, तो हल्का हल्का हो जाता है इतना। ये फायदा हो, लेकिन ये पिन जो बार बार अटकती है नेगेटिव पर, लेकिन ये शुद्धात्मा देखे तो ये सही बात है। हाँ, व्यवहार को इम्पोर्टेंस देने के टाइम ही तो पिन अटक जाती है व्यवहार में। हाँ, कोई नेगेटिव बोलेगा तो व्यवहार में पिन अटक जाती है। क्यों अटक गई? तो उस व्यवहार को हमने इम्पोर्टेंस दे दी। अच्छा। हाँ। और व्यवहार का स्वभाव क्या है? कभी भी बदल जाता है। हाँ। हाँ। आज तुम्हारे साथ जो बात करता है कल बात नहीं करेगा, और कल जो बात नहीं करता तो वो आज बात करेगा, ऐसा व्यवहार का स्वभाव है। ख्याल में है ना? इसलिए भगवान ने बोला कि व्यवहार को इतना मौत पकड़ के रखना, क्योंकि व्यवहार का स्वभाव ही है, कभी बदल जाएगा मालूम नहीं। ख्याल में है? बरोबर है, बरोबर बरोबर। सच्चिदानंद सच्चिदानंद। वो जहाँ पीन अटक जाती है। हाँ। जहाँ पीन अटक जाती है वहां। हाँ। से वो अवस्था के, वो अवस्था हमको टच करके जाती है, और जो अवस्था टच करके गई तो फिर आगे जाके और शुद्ध करना पड़ेगा हमको। अच्छा। हाँ 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 हाँ, इसलिए शुद्ध नहीं होता है, इसलिए अभी से शुद्ध कर देने का। इसलिए व्यवहार का महत्व नहीं रखना है। हाँ, इसलिए नहीं रखने का, नहीं तो व्यवहार का महत्व रखोगे तो फंस जाओगे। हाँ, अटक जाए तो शुद्ध करना पड़ेगा। हाँ, सही बात। ठीक है। हाँ ठीक है। और हम भारी पीन अटक गए, पीन अटक गए उसका मतलब आप जेल में चले गए। हाँ। जेल से जल्दी बाहर निकलना है ना, आज निकलना ही है। हाँ, जब मालूम पड़ गया पीन अटक गई तो समझ लेने का जेल में घुस गए। हाँ, तो जैसे ही मालूम पड़ा जेल में, अरे छूटो छूटो छूटो, पहले जेल से बाहर निकलो, बाद में देखेंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बोलिए। जय सच्चिदानंद दीपक भाई। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद बोलिए। आज सुबह में सत्संग हुआ था वाणी पे, उसमें मैंने बाद में देखा कि कोई व्यक्ति हमारे सामने आती है तो वाणी इस तरह से बदल जाती है। तुम्हारे साथ बात करती हूँ तो परम विनय से करती हूँ, बदल जाती है वाणी, तो कपट वाली कहलाती है क्या? नहीं, कपट वाली तो वो तो उसका एडवांटेज लेने जाए या अपना खुद का एडवांटेज लेने के लिए बोले तो कपट है। अच्छा। और वाणी बदल जाती है इसलिए तो क्योंकि उसके पास काम निकलना है तो भी बदल जाती है, और उसका कुछ काम करना है तो भी बदल जाती है। तो अंदर का आशा ही देखने का। हाँ, तो आशा ही देखने का ना, और क्या। बराबर। वाणी आपके आशय के ऊपर से निकलती है। अच्छा। हाँ। अगर आपको उसके अंदर शुद्धात्मा देखकर छूट जाना है उससे, तो शुद्धात्मा देखो तो वाणी ऑटोमेटिक। हाँ। निकलेगी फर्स्ट क्लास। बराबर। और गलत भी निकली तो भी, लेकिन अंदर आशय क्या है? शुद्धात्मा देखने का, फाइल का संभव से निकाल करने का है, तो आशय संभव से निकाल करने का है। फिर वो वाणी में गाली निकली, उसको डांटा, तो भी उसकी कोई कीमत नहीं है। और लेकिन संभव से निकाल करने का डिसाइड नहीं किया। हाँ। तो गए काम से। उसी टाइम आशय देख लेने की।
उसी टाइम ऐसे देख लेने का, उसी टाइम ऐसे देखने का। इसलिए दादा भगवान ने बोला ना कि अभी आपको आपके हिसाब से चलना नहीं है, आपको जीवन जो जीना है हमारी आज्ञा के हिसाब से चलना है। अच्छा। आप किसी के घर पे जाते हो, आपकी बहन के वहां या आपकी मदर के वहां, तो व्यवहार से आपकी मदर के वहां जाते हो, लेकिन अंदर से देखने का कि रिलेटिव से मदर है, रियल से शुद्धात्मा है। फोन लेके जाते हैं मदर के पास तो कि व्यवस्थित शक्ति लेके जाती है। क्यों लेके जाती है तो कि हिसाब बाकी है इसलिए लेके जाती है, तो मुझे इसका संभव से निकाल करना है। इस तरह से जीना है। हम अपने हिसाब से जिए, चलो मम्मी की तबियत नहीं है तो मम्मी की तबियत पूछ के आते है, हाँ जाओ, कोई वादा नहीं है, लेकिन अंदर ये समझ के रखना है। क्यों दूसरे बीमार होते तो उसकी तबियत देखने नहीं जाते, मम्मी की जाते है, तो कि हिसाब बाकी है इसलिए। अच्छा। इसलिए पांच आज्ञा को अपने जीवन में बुन लेना है सब व्यवहार में। बराबर। जैसे स्वेटर बुनते हैं ना, वैसा जीवन के हर एक संजोग के अंदर पांच आज्ञा को बुनना है, अप्लाई करना है। कैसे भी फाइल आए, अच्छी फाइल आए या बुरी फाइल आए, फाइल फाइल ही है। नहीं वो तो मैंने देखा कि रूपल में ऐसा होता है कि कोई आए तो अच्छी तरह से बात करे, कोई काम वाला आए तो उसी तरह से काम बात करती है वो, एक ऐसा नहीं रहता है कि सबके साथ एक ही तरह से बात नहीं करती है। नहीं, एक ही तरह से बात नहीं करनी है, काम वाले के साथ काम वाले के हिसाब से ही बात करनी है, भाई के साथ तो भाई के हिसाब से बात करनी है, और दूसरा कोई बाहर का आदमी है तो उसी हिसाब से बात करनी है, व्यवहार तो वही है। बराबर है। उसमें राग द्वेष नहीं होना है। बराबर है। हाँ, व्यवहार तो जिसके साथ जैसा, कुत्ते के साथ कुत्ते की जैसे ही बात करनी पड़ेगी। बराबर है। हाँ। उसको लकड़ी दिखानी पड़ेगी तो भाग जाएगा, लकड़ी नहीं दिखाओगे तो भागेगा नहीं, घर में घुस जाएगा। बराबर। हाँ। इसलिए व्यवहार तो व्यवहार की जगह पे है, लेकिन उसमें राग द्वेष नहीं होना चाहिए। इसलिए दादा भगवान ने कहा अंदर से कि मुझे इस फाइल का संभव से निकाल करने की शक्ति दो। बराबर। फिर आपकी जवाबदारी नहीं रहती है क्या किया आपने। बराबर। अगर वो नहीं बोलते हो आप तो जवाबदारी आपकी है। अच्छा। हाँ। हाँ। तो जवाबदारी में से मुक्त नहीं होते हम। अच्छा। हाँ। अच्छी तरह व्यापार नहीं किया, खोट का व्यापार किया। बराबर। हाँ। ठीक है। ठीक है। हाँ, वाणी तो सबके हिसाब से ही निकलेगी, डॉक्टर के पास उस हिसाब से निकलेगी, नौकर के पास उस हिसाब से निकलेगी, तो देखने का कैसा है। हाँ। वो तो जो डिस्क्रिशन है वो तो उस हिसाब से निकलना ही है। बराबर। ठीक है। ठीक है। ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद बोलो साहेब। अरे अब कौन है। अच्छा, नीता बहन। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। परेशानंद जी बोलिए। एक नवीनानंद जी बोले रखे चोटली बना दो उसको, चोटली बांधो। हाँ, एक छे ने नवीनानंद जी नो आवे छे सूत्र व्हाट्सएप ऊपर, जागृति ना मार्ग ऊपर चाल्या एटले प्रतिकूलता फायदाकारक, અને બેભાનતાના માર્ગ પર એ અનુકૂળતા ફાયદાકારક। તો બેભાન તો ફિર યે બેભાનતાના માર્ગ પર એ અનુકૂળતા ફાયદાકારક યે ક્યા હે। વો દેહ કે કારણ ઇસલે બેભાન બોલા, તુમ તો હો શુદ્ધાત્મા કે નીતા બેન હો, ક્યા હે વો આપ, નીતા બેન હો કે શુદ્ધાત્મા હો। શુદ્ધાત્મા। શુદ્ધાત્મા હે તો શુદ્ધાત્મા કે લિયે જાગૃતિ રખને કે લિયે ક્યા હોના ચાહિયે। मैं शुद्धात्मा ही हूँ तो मुझे शुद्धात्मा में पहले वो लक्ष्य रहना चाहिए। मुझे वो लक्ष्य रहना चाहिए, लेकिन उसके अंदर रहोगे कैसे, उसके रहने के लिए कोई धक्का मारने वाला चाहिए ना। हाँ। तो कौन धक्का मारेगा। प्रज्ञा। प्रज्ञा धक्का मारेगी। हाँ, बरोबर है। ठीक है। हाँ। और शुद्धात्मा में नहीं रहने के लिए कौन धक्का मारता है। ये शुद्ध चित्त और वो अज्ञानता। अज्ञानता नहीं, अहंकार, अज्ञा शक्ति। हाँ, 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 अहंकार।
वो डायलाल ने आपने पैसा मांगा कि मेरे को 5,000 दो, पैसा वापरना है, शॉपिंग करना है, और नहीं दिया तो क्या होगा? बहुत मजा आएगी ने, तो अहंकार उठेगा बराबर, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या नहीं, ऐसा नहीं, फिर शुद्धात्मा कहाँ गया? हाँ, शुद्धात्मा चला जाएगा, करेक्ट। शुद्धात्मा चला गया ने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो फिर वो बेभान मार्ग हो गया। अच्छा, शुद्धात्मा चला गया तो बेभान हो गए, नीता हो गए आप, करेक्ट, मार्ग पर ये अनुकूलता। फायदा थोड़ी देर के बाद, 5 मिनट के बाद ऐसा होगा या 10 मिनट के बाद, अरे गलती हो गई, नहीं होना चाहिए, मैं शुद्धात्मा हूँ, व्यवस्थित कर, तो फिर वापस वो प्रतिकूलता के कारण उसमें आए, नहीं तो नहीं आ सकते आप। हाँ, करेक्ट, क्योंकि वैराग आता है, वैराग आता है, अरे क्या यार, इतना बोल बोल के थक गए लेकिन सुनता ही नहीं है मेरी। क्या रहे है? इसलिए प्रतिकूलता से अहंकार को ठेस पहुंचती है, और वो अहंकार से जो अंदर जलन होती है, वो जलन बचने के लिए शुद्धार्थ के पद में जाते हो आप। जी, करेक्ट, करेक्ट। और जब अहंकार को पोषण मिलता है, तो पोषण मिलने से आप बेभान हो जाते हो, शुद्धात्मा चला जाता है और नीता जागृत हो जाती है। जी जी जी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, समझ में आया? हाँ हाँ, मिला मिला। कविता ने पद लिखा है, संयोगाधीन छे मानव बमरडो अकड़ आहामे मुपादे फरदो अहम राजी थई गयो, अहम पोषाता राजी थई गयो, बेभान थई गयो, अहम दुबाता नाराज थई गयो। पद का आज समझ में आया, ये क्या एग्जैक्टली था? हिंदी में, हिंदी में बोलो भाई, आप तो बंबई वाले हो, नीता बेन को कंपलसरी हिंदी में बुलवाया। यस, नहीं नहीं, ये पद का मीनिंग मुझे आज समझ में आया, ये एग्जैक्ट मीनिंग क्या था उसका, बाप रे। अभी गाते रहना। जी जी जी, ठीक है, जय सच्चिदानंद। जय सचिदानंद, हमारा समय हो चुका है, नोबेल प्राइज वाला पद है, नोबेल प्राइज वाला पद है, अरे जान लिया, त्रिमंत्र बुलाए, नीता बेन का श्योर, नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सब साहुणम, नमो लोए सब साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव पावप्पणासनो, सव पावप्पणासनो, मंगलानं च सव्वेसिं, मंगलानं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्, पद्मं हवै मंगलम्, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।